हमें आराम से भी खड़े ओढ़ दे रहे आप लोग। देश किसके बाप की बुपोती है क्या? हम लोग यहाँ पे तलवार लेके खड़े क्या? हम बंदूक लेके खड़े हैं, आराम से भी खड़े नहीं होते। आपके बाप की बुपोती है, नरेंद्र मोदी की बुपोती है। आप लोग मालिक नहीं हो, नौकर हैं आके। अरे आज के दौर में तो रक्षक ही बक्सा बनता है। ये रक्षक होते हमें यहाँ से धक्का देते। हम लोग यहाँ पे लठ लिए खड़े हैं, क्या बंदूक लिए खड़े हैं? इन पुलिस वालों को शर्म आना चाहिए। मालिक नहीं हो आप लोग, यहाँ के नौकर हो, इस देश की पब्लिक की रक्षा के लिए खड़े हो। क्या ये हमारा देश नहीं है? हमारी राजधानी नहीं है? किसी के बाप की बुपोती है? हमारे ही पुरुष ने इस देश को सींचा, इस देश को बनाया। ये अपने पजामे का नाड़ा पीछे की तरफ बांधते हैं क्या? अगर बांधते हैं तो मीडिया पे आके बयान देते हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बाबा साहब के सम्मान के साथ समझौता बिल्कुल नहीं होगा। हम जान देने के लिए तैयार बैठे हैं। जेल ले जाना चाहते हो ले जाओ, देखते हैं कितनी जेल है आपके पास। स्वागत है आपका फिर से एक बार। आप देख रहे हैं जनहित आवाज, मैं हूं रंजय कुमार। और पुलिस ने देखे यहां सीटियां बजाना शुरू कर दी है। 3 जून की रात को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां रातों रात जो है संसद के प्रांगण से पार्किंग स्थल बनाने के नाम पे, सौंदर्यीकरण के नाम पे जो हटा दी गई हैं, उस बात को लेकर बहुजन समाज के लोग जो हैं, अंबेडकर राइट जो लोग हैं, उन लोगों ने आज जंतर मंतर पे एक विशाल धरना प्रदर्शन दिया। संसद से लेकर सड़क तक जय भीम के नारे गूंज रहे हैं। जहां कल संसद में शपथ प्रक्रिया चल रही थी तो चंद्रशेखर रावण और राजकुमार राव जैसे जो नेता हैं जय संविधान और जय भीम के नारे लगा रहे थे, तो आज सड़कों पर हम देख रहे हैं कि बहुजन के जो लोग हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां हटाने के विरोध में जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जय भीम के नारे गूंज रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस के साथ जो है यहां अब बहसबाजी शुरू हो गई है। पुलिस ने लोगों को यहां से हटाना शुरू कर दिया है और पुलिस यहां से लगातार लोगों को हटा रही है। और यहां पे हम देख रहे हैं कि और भी कई लोग हैं, तो हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है लगातार सीटियां बजा रही है और यहां पे देखिए लोग जो है हटने और सर क्या कहना चाहेंगे? अरे बाबा, अरे सुनो, आप रिक्वेस्ट, हम आराम से खड़े हैं, हमें आराम से भी खड़े ओढ़ दे रहे आप लोग। तो रिक्वेस्ट, पुलिस हटा रही है कैसे? पुलिस आप लोगों को हटा रही है? ये पुलिस को हमें खड़े, ये देश किसके बाप की बुपोती है क्या? हम लोग यहाँ पे तलवार लेके खड़े क्या? हम बंदूक लेके खड़े हैं, आराम से भी खड़े नहीं होते। आपके बाप की बुपोती है, नरेंद्र मोदी की बुपोती है। आप लोग मालिक नहीं, नौकर हैं आके। क्या हुआ, क्या हुआ, 2 मिनट जाओ। तो जिस तरह से संसद से मूर्तियां हटा दी गई और आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक जो है कई गिरफ्तारियां हो गई हैं, और अगर मूर्तियां फिर से नहीं लगाई जाएंगी तो क्या करेंगे आप? सर, लोकसभा का महासचिव, मोदी गृह मंत्री, या आरएसएस बीजेपी के नेता, केजरीवाल हो या पुलिस वाले हो, ये अपने पजामे का नाड़ा पीछे की तरफ बांधते हैं क्या? अगर बांधते हैं तो मीडिया पे आके बयान देते हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बाबा साहब के सम्मान के साथ समझौता बिल्कुल नहीं होगा। हम जान देने के लिए तैयार बैठे हैं। जेल ले जाना चाहते हो ले जाओ, देखते हैं कितनी जेल है आपके पास। आप जेल जाए, इनके दिमाग में बार बार क्या ये इस देश से बाबा साहब की विचारधारा को हटा सकते हैं? एक मूर्ति हटा दी, क्या विचारधारा को हटा सकते हैं? इस देश में जब तक प्रबुद्ध भारत नहीं होगा, बहुजन राज नहीं होगा, तब तक इस देश की सड़कें ऐसे ही नीली रहेंगी। सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लगभग 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं। सरकार को देना पड़ेगा, सरकार को हम मजबूर करेंगे और लोकतंत्र में जो तरीका है उसी तरीके से मजबूर करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जब तक कानून के साथ, व्यवस्था के साथ बात बने, आप काम करिए। अगर कानून फेल हो जाता, ये लोग कानून से प्रदर्शित आंदोलन से नहीं मानते, तो बाबा साहब ने कहा अगर संविधान फेल हो जाता, कानून फेल हो जाता, तो लठ उठाना, हथियार उठाना भी कोई गुनाह नहीं है। आपको पुलिस हटा रही है? पुलिस हमें निहत्ते, हमें यहाँ खड़े हैं बिल्कुल आराम शांति से खड़े हैं। ऐसा खड़े हैं कि जैसे हम बाहर से दूसरे देश सोच आए हो। क्या ये हमारा देश नहीं है? हमारी राजधानी नहीं है? किसी के बाप की बुपोती है? हमारे ही पुरुष ने इस देश को सींचा, इस देश को बनाया, सूई से लेकर के जहाज तक हमारे देश, हमारे लोग बनाते हैं। प्रदर्शन का समय समाप्त हो गया, जाइए आप यहाँ से। प्रदर्शन का समय पूरा दिन का हमारा प्रदर्शन है। हाँ। क्या हम वैसे नहीं रह सकते? फिर भी हमें किसी के पूछना पड़ेगा यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे लठ लिए खड़े हैं, क्या बंदूक लिए खड़े हैं? इन पुलिस वालों को शर्म आना चाहिए। मालिक नहीं हो आप लोग, यहाँ के नौकर हो, इस देश की पब्लिक की रक्षा के लिए खड़े हो। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है? कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी, ध्वस्त हो चुकी है। कानून ये मानते नहीं है, इनसे जबरदस्ती लागू करवाना पड़ेगा। बताइए, ये तो आपके रक्षक है ना, ये तमाम लोग जो यहाँ। अरे आज के दौर में तो रक्षक ही बक्सा बनता है। ये रक्षक होते हमें यहाँ से धक्का देते? क्या हमारी व्यक्ति है? आम आदमी को गरिमा नहीं है, डिग्निटी नहीं है? हमारा अधिकार है इस राजधानी में। पालन कीजिए, नहीं नियम का पालन। कौन क्या क्या गलत किया यहाँ पे बताइए, पुलिस वाले बताइए, को प्रेस मीडिया, कोई वीडियो क्लिप लेके आइए, कोई बात किसने गलत की है, कोई यहाँ पे हड़दंग मचाया, कोई उत्पात मचाया, कोई तोड़ फोड़ की हो गया है समय। आप लोगों का समय हो गया, फिर सब लोग चले जाएंगे। अभी तो बोदला खड़े यहाँ पे,
डिटेन कर लिया ना आप लोगों को उन लोगों ने। नहीं फिर अपनी बात तो रख सकते हैं ना, मीडिया के सामने रख सकते, आप मीडिया के सामने बात रख रहे हैं, ये धक्के दे रहे हैं। 22 दिन से ज्यादा हो गए हैं, मूर्ति वहाँ नहीं आई है, आगे क्या कहेंगे अगर फिर से मूर्ति उसी जगह पे नहीं लगती? आगे नहीं है, देखो इस देश में जान देना ये कोई कीड़े मकोड़ा का खून तो है नहीं, ये राजा महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक बिंदुसार बिंबसार ब्रदर मौर्य राजा महाराजा का खून, ये उबाल मारता हिलोर मारता, जान देने से हम बिल्कुल नहीं डरते हैं, जेल ले जाना चाहते ले जाओ, देखते हैं तुम्हारी कितनी जेलें बढ़िया। रिजल्ट के ठीक एक दिन पहले मूर्ति हटाई गई है, क्या सोचोगी? यही तो हम पूछना चाहते हैं इस देश के लोकसभा महासचिव से, प्रधानमंत्री है मोदी से, आपकी आप भी फिर भी एक इंचार्जेबल प्रधानमंत्री थे आपकी, उसके दौरान ये हुआ, बाबा साहब का संविधान को माथे चूमते हो, आपके दिमाग संविधान के प्रति जहर बोरा, बाबा साहब के प्रति जहर बोरा, जो बाबा साहब की जो मोदी जी ने कि उनके दिमाग में जहर है बाबा साहब को, क्यों मोदी जी के जो मंत्री थे चुनाव से पहले, क्या संविधान बदलने की बात करें, मोदी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई, उनको जेल में डाला, इस देश की राजधानी में संविधान की प्रति को जलाया जो यहाँ का मुख्यमंत्री केजरीवाल, क्या उनके खिलाफ उन्हें आंदोलन किया या फर करके उनको जेल में डलाया? जो बीत गई वो बात गई। नहीं, नरेंद्र मोदी अपने नाम पे स्टेडियम बना रहे हैं और संविधान के साथ समझौता कैसे हो सकता है? क्यों बीत गई, क्यों बीत गई, क्यों बात गई? हम पुराने से पुरानी बात ध्यान रखते हैं और हर उसका कैसे हिसाब लेंगे, हम इस देश में बहुजन स्थापित करके लेंगे, जब तक इस देश में महापुरुषों की विचारधारा राज नहीं आता तब तक इस देश की सड़कों पर ऐसे ही नीले झंडे बुलंद होते रहेंगे। बताइए नाम बदलने वाला अखिलेश यादव क्या संविधान बचा पाएंगे? अखिलेश संविधान बचाएंगे, हाँ। जो बहुजन के सम्मान के आरक्षण का बिल फाड़ते हैं वो संविधान बचाएंगे, राहुल गांधी संविधान बचाएंगे, जो कांग्रेस संविधान लेके तो वही हाथ में घूम रहे हैं, नहीं कांग्रेस संविधान बचाएगी, राहुल गांधी बचाएंगे, जो बाबा साहब को ये कर रहा है इंडिया गठबंधन संविधान बचाने की लड़ाई के नाम पे चुनाव लड़ा है। नहीं एक बार ये तो बेशक ये कहते कुछ है करते कुछ है, आप लोग कांग्रेस बीजेपी को अलग समझते हो, भ्रम में हो आप लोग, इन लोगों का झंडा बेशक अलग है, एजेंडा एक ही है, इस देश के किसान मजदूर एससी एसटी को सत्ता से दूर रखो, ठीक है, और ये देश हमारा और एससी एसटी वैसी इस देश के हिंदू नहीं है, इस देश के असली मूल निवासी है और ये राजकाज हम लेके रहेंगे। राहुल गांधी ने और मोदी जी ने कहा तो है कि मूल निवासी आदिवासी मुर्मू से क्या आता, हमें पावर है उनके पास, समाज के लिए बोल सकते हैं कुछ। मेरा एक प्रश्न है, विधानसभा राज्यसभा लोकसभा बनी हुई है, ये लोग वहाँ क्यों नहीं बोलते? सड़कों के ऊपर आकर के ये सारी बातें अगर करनी है तो फिर विधानसभा राज्यसभा और लोकसभा किस लिए बनाई गई है? हम तो ये पूछ रहे हैं, इसको कह रहे हैं आप? ये हम सारी सभी लोगों को बोल रहे हैं कि जो नहीं इनको नहीं मैं कह रहा, मैं जो है सभी पार्टियों को कह रहा हूँ, हाँ। जो पार्टियों के समर्थक है कितने नंबर देंगे मोदी जी ने तो आप क्या जो इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा संविधान बचाने के नाम पर क्या कहे? सर देखिए इंडिया गठबंधन नहीं है वो घमंडिया गठबंधन है, पहली तो बात इनके ऊपर एक केस दर्ज होने दे देशद्रोह का, अपनी राजनीति के लिए देश का नाम ये इन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। और सुनिए इनका सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिए, बड़की मत, इन्होंने कहा जो क्या कहा सुनाई मोदी जी ने जो 10 साल में किया है 100 साल में जिन लोगों ने बर्बाद किया है, तो ये एक ऐसा है कि जैसे एक शराबी शराब पी करके नाली में गिरता है अगले दिन फिर शराब पीता है फिर नाली में गिरता है, क्या 100 साल में नहीं विधानसभा अरे अंकल जी एक बात बताइए, विधानसभा राज्यसभा लोकसभा भी है, विधानसभा राज्यसभा लोकसभा में ये प्रश्न क्यों नहीं उठाए जाते? सड़कों के ऊपर भीड़ लगा लगा के जबरदस्ती बात आप जो मेरी उम्र भर छुपा के रखा राज्य मुफलसी हमने मगर कफन के पैबंद ने सारी दास्तां कह दी, ये दास्तां जो आप सुन रहे हैं ये मोदी का राजित है, मैं होश में था पलकों की ओट से वो बच्चा ले गया मुझे, डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ, पलकों की ओट से वो बच्चा ले गया मुझे, यानी नजर नजर से बच्चा ले गया मुझे, पलकों की ओट से वो बच्चा ले गया मुझे, यानी नजर नजर से बच्चा ले गया मुझे, खुलकर बताया सारी मैं खुलकर के भी बताऊंगा, यानी मैं इसको अपनी हार कहूं या कहूं के जीत, मोदी जी रूठे बहुत थे वो मना ले गया मुझे, क्यों संविधान को गले लगा रहे हो रूठ के? जब एक बात सुनी जो कहा हाँ उसी की बात कह रहा हूँ, 10 साल में हाँ हाँ वही मैं उसी की बात कर रहा हूँ, एक बात सुनिए आइए सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 10 साल में कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम हो गया है, जो 100 साल में वो काम नहीं हो पाया था वो मात्र 10 साल में, सर अभी आपने आप बिल्कुल कह रहे हैं कि जो 100 साल में नहीं हुआ 10 साल में हुआ, क्या 100 साल में देश की
बेटियां जो नंगी घुमाई गई मणिपुर जैसे में, क्या देश की बेटियों को रातों को जलाएगा ये बलात्कार करके? क्या विधायकों को कुलदीप संघर्ष जैसे को बचाया गया? क्या 100 साल में संविधान को दिल्ली सिजन में जलाया गया? ठीक है, क्या 100 साल में इतना बड़ा आर्थिक घोटाला हुआ कभी? मोदी जी के राज में कितने लोगों का कर्ज माफ हुआ? कितने लोग भगोड़े पैसे लेके? ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो 10 साल को अमृतकाल कहते हैं? अरे ये लोग अंधभक्त हैं, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा, इनका दिमाग ब्रेन वॉश हो चुका है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपने आप का। सबसे ज्यादा राष्ट्र की बात तो मोदी जी ही करते हैं, देश बचाने की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि देश से मतलब नहीं है। सर एक बात सुनिए, इस देश का झंडा उठाना देशभक्ति नहीं है। क्या है? देश की संसाधन को बचाना, इस देश का जो डिपार्टमेंट है उनको बचाना, ये देशभक्ति है। इस देश के प्रत्येक नागरिक के सम्मान की रक्षा के लिए खड़ा होना, ये देशभक्ति है। किसानों को सम्मान के लिए खड़ा होना, ये देशभक्ति है। और हक के लिए आवाज उठाना सबसे बड़ी देशभक्ति है। किसानों को सबसे पहले, अभी देखिए संसद जो प्रधानमंत्री शपथ लिए, उसके बाद बनारस जाके 18 तारीख को ही किसान सम्मान निधि योजना का 20,000 करोड़ रुपया दिया। किसानों के लिए काम किया उन्होंने? अरे मोदी जी तो ये कह रहे थे 2022 में 2 करोड़ रोजगार हो जाएंगे, किसानों की आमदनी दुगना हो जाएगी। वो किसान तो आज भी धरने बैठे, तुम्हारी किसान मंदी का करेंगे क्या? तुम्हारी भीख का करेंगे क्या? हमें अपनी फसल का दाम दे दो, क्या करेंगे तुम्हारी सम्मान निधि का? वो भीख है, ऐसी भीख हमें नहीं चाहिए, हम काम कर सकते हैं। 2 करोड़ रोजगार के युवा के भटक रहे आज के, ठीक है, 5 किलो राशन में उनका दिमाग खराब करना चाहते हो? जब हम काम करना चाहते हैं, युवा हैं, हट्टे कट्टे हैं, अब इस उम्र में काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बुढ़ापे में 60 साल की उम्र में जाके करेंगे। उनका कहना है जो स्किल है, जिसको जो योग्यता है वो काम कर लेगा। महंगाई और बेरोजगारी का जो रोना रो रहे हैं वो लोग, ऐसे लोग हैं जो काम चोर हैं। सर एक बात बताइए, MA करके PhD करके हम पकौड़े तलेंगे? ये काम है, इसको प्रधानमंत्री काम कहते हैं, मोदी अमित शाह काम कहते हैं? क्या हमारे माँ बाप ने MA PhD BA कराया हमको पकौड़े तलने के लिए, ग्रुप डी के लिए? हरियाणा में PhD लोगों को ग्रुप डी की नौकरी दी जा रही है, सबसे बड़ा देशद्रोही। अगर किसी आदमी को अपनी काबिलियत के मुताबिक आप लोग रोजगार की व्यवस्था करना सरकार का काम होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार रोजगार की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, देश में जो माहौल है कि बिल्कुल ही किस तरह से जो है 10 सालों में काम हुआ है, इस बात को लेकर चर्चा होती रहती है, और आप शिकायत पर शिकायत किए जा रहे हैं। सर वो मेन स्ट्रीम मीडिया, पहली बात ये समझो, वो गोदी मीडिया हुआ बिका हुआ मीडिया, उसका जमीर मर चुका है। जो सवाल उनको सत्ता से पूछना चाहिए वो सवाल विपक्ष से पूछता हो जाके, उनके पीछे कैमरा लेके घूम रहा है। क्या गोदी मीडिया वहाँ पे आता है जहाँ पे लोग इनके खिलाफ धरने बैठे हैं, जहाँ किसान बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, मजदूर बैठे हैं, किसान कर्मचारी बैठे हैं, छात्र बैठे हैं? क्या वो गोदी मीडिया कैमरा लेके वहाँ पे जाता? वो तो मोदी जी के चापलूसी के चल जूते चाट रहा, चाटुकारिता का पत्रकार नहीं, चाटुकारिता कर रहा है। वो बिक चुका है उसकी जैसे ना, इतना तो बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा जितना इस देश का, जिसको मेन स्ट्रीम कहते हैं। वो मेन स्ट्रीम नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो चौथा स्तंभ था वो ध्वस्त हो चुका है। और धन्यवाद आप जैसे सोशल मीडिया के साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद जो जनता की आवाज को सच्चे दिल से पहुंचाने का। तो आपने सुना, जंतर मंतर पे आए हुए हैं जो बहुजन के समर्थक हैं, जो कि 3 तारीख की जो मूर्तियां हटा दी गई है उस बात को लेके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ जनहित आवाज, धन्यवाद।